देवबंद से जहां पर आतंकी तेंदुआ पकड़ाया गया, वन विभाग की टीम ने बेहोश कर उसे पकड़ा है। ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश किया गया है। तीन दिन से गांव में घुसा हुआ था तेंदुआ। तेंदुए ने दो गायों को घायल भी किया था। महिलाओं पर भी हमले का प्रयास किया था। गरियाबंद के घरहरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, अब क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिन्हें घायल किया है तेंदुए ने, उनकी हालत क्या बनी हुई है? देखिए, गरियाबंद जिला मुख्यालय से महज 8 से 10 किलोमीटर जो खरहरी गांव था, वहां पे पिछले 3 दिनों से लगातार जो है तेंदुआ का आतंक बना हुआ था। पहले शुरुआती दौर पे तेंदुआ को वहां लोग देख रहे थे। देखने के बाद कुछ दिनों तक वो मवेशियों पर हमला किया, 2 मवेशियों को उसने मार दिया था। लेकिन जैसे कल सुबह की घटना हुई, कल बीता, पर यहाँ पे सवाल यही है, 3 दिन से तेंदुआ यहाँ पर घुसा हुआ था, तो वन विभाग की टीम तब क्यों नहीं अलर्ट हुई? जी बिल्कुल, वही बता रहा हूँ कि जिस समय 65 वर्षीय वृद्धा का जब हमले की कोशिश तेंदुआ ने किया, उसके बाद ही वन विभाग वन प्रशासन जागा, क्योंकि स्थानीय स्तर पे काफी प्रयास किए गए। उसके बाद एक्सपर्ट बुला के रायपुर से, राजधानी से एक्सपर्ट बुलाया गया। ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल करके उसको बेहोश किया गया। बेहोश करने की प्रयास सफल रहा। उसके बाद जो है जो जाली लगाकर मवेशी भी डाला गया, वहाँ पे बकरी का चारा वहाँ पे डाला गया, तो उस तरह तमाम प्रकार के प्रयास वन विभाग करता रहा। लेकिन अंततः जो एक्सपर्ट है वो ट्रैंकुलाइजर से उसको बेहोश किए। बेहोश करने के बाद ही उसको पिंजड़े में कैद कर, वन विभाग कैद कर पाइए। आज सुबह सुबह करीब 4:30 बजे की यह घटना है कि उस तेंदुए को पकड़ने में जो है वन विभाग की टीम को सफलता मिली है और आज जो है रवाना कर दिया गया है उसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम इस जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब देखेंगे।